Welcome to Biology Pashala. Today's class is dedicated a NEET aspirant. और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे प्रयास बायोलॉजी सीरीज की, और इसमें टॉप 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि स्टेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज दिया था. तो जो स्टेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज है वो लीनियस ने दिया था, इस बात को याद रखेंगे. लीनियस का पूरा नाम कैरोलस लीनियस है. लीनियस का पुराना नाम कार्ल वार्ड लिनी है. सिस्टेमा नेचुरी के जो लेखक हैं वो लीनियस हैं. ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे. साथ ही साथ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर या द्विपद नाम पद्धति कैरोलस लीनियस ने दी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या अंतर होता है. तो सेल वॉल का अंतर होता है. दोनों ही, ग्राम पॉजिटिव की बात करें और ग्राम नेगेटिव की बात करें, तो दोनों ही बैक्टीरिया में सेल वॉल का अंतर होता है. ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे. अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो सीड को तो डेवलप करता है लेकिन फ्लावर को नहीं करता. तो ये पाइनस का प्लांट होता है. ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. ऐसा कौन सा प्लांट है जो सीड को डेवलप करता है और फ्लावर को नहीं करता, वो होता है पाइनस का. और कोन्स भी यहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्ट्यूरस होता है. तो नेक्ट्यूरस बेसिकली क्या होता है, मड पपी होता है. तो एम्फीबियास में आता है ये बेसिकली. ठीक है, इस बात को याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कॉटिलेडॉन मेज ग्रेन मतलब क्या कहलाता है, अनदर नेम ऑफ क्या होता है. तो इसे बोलते हैं स्कल्टेनम. ठीक है, तो कॉटिलेडॉन मेज ग्रेन होता है उसे बोलते हैं स्कल्टेनम. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखेंगे. ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मेल कॉकरोच में स्पर्म कहाँ स्टोर होता है. तो मैं बता दूं, मेल कॉकरोच में जो स्पर्म होता है वो सेमिनल वेसिकल में स्टोर होता है. तो ये बात याद रखेंगे. ठीक है, और सेमिनल वेसिकल के जस्ट ऊपर मैं बात करूं या उसके सराउंडिंग एक बोन पाई जाती है, उसे प्यूबिस बोन कहते हैं. ये भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन. नेक्स्ट है, कह रहा है कि मेजर साइट सिंथेसिस लिपिड है. तो मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस लिपिड मतलब कहाँ पे लिपिड का संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है, वो होता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. कहाँ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. तो ये बात याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कैंप प्लांट मदद करता है. तो कैंप प्लांट जो होता है वो कंजर्विंग ऑफ प्लांट्स में मदद करता है. किसमें करता है, कंजर्विंग प्लांट्स में हेल्प करता है. तो ये बात आपको मतलब याद रखनी है. ठीक है, कि कंजर्विंग प्लांट में ये हेल्प करेगा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है को एंजाइम का एसेंशियल कंपोनेंट होता है. तो को एंजाइम का जो एसेंशियल कंपोनेंट होता है वो होता है विटामिन्स. ठीक है, क्योंकि एंजाइम्स का एक फॉर्म विटामिन्स भी होता है, तो उसका एक एसेंशियल कंपोनेंट जो होता है वो विटामिन्स भी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि एरोबिक रिस्पायरेशन के बाद कितने एटीपी अणु मिलते हैं. तो 38 एटीपी अणु मिलते हैं. कितने मिलते हैं, 38 एटीपी. और एनएरोबिक में कितने मिलते हैं, 2 एटीपी. ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जॉइंटिस इज द डिसऑर्डर ऑफ. तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर होता है. ठीक है, लीवर में बेसिकली होता है, तो इसे याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब CO2 का कंटेंट रिस्पायरेशन में ज्यादा होता है तो बेसिकली रिस्पायरेटरी रेट होती है फास्टर होगी और डीप होगी. कैसी होगी, फास्टर होगी और डीप होगी, तो इसे याद रखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ह्यूमन में स्कल को जोड़ने वाली बोन्स होती है. तो वो होती है फाइबरस ज्वाइंट. क्या होता है, फाइबरस ज्वाइंट. तो स्कल के दोनों ही पार्ट फाइबरस ज्वाइंट से जुड़े हुए होते हैं, इस बात को याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइलन सीथ प्रोड्यूस होता है. तो स्वान सेल और ऑलिगोडेंड्राइट से ये बेसिकली माइलन सीड प्रोड्यूस होता है, तो इस बात को याद रखेंगे. ठीक है, दो बेसिकली क्या कहते हैं, एंजॉक्स को एक्सॉन को जोड़ने वाला सिनेप्सिस कहलाता है स्ट्रक्चर. ठीक है, वो याद रखेंगे. नेक्स्ट है, मेलेटोनिन सेक्रेट होता है. तो पीनियल बॉडी से सेक्रेट होता है, ये बात याद रखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे टेलोलिसिथल योग पाया जाता है ऑन द वन साइड ऑफ एग. तो एग के सिर्फ एक साइड पर टेलोलिसिथल योग होता है, तो ये याद रखेंगे. ठीक है,
ऐसे इसमें पूछा जाता है कि सुपरफिशियल जो होता है बेसिकली किस में होता है, तो वो होता है इंसेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें लैक ओपेरॉन एग्जाम्पल होता है, तो बेसिकली एग्जाम्पल किसका, इंड्यूसिबल ओपेरॉन, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल होता है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन। सो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, ये यूज होता है एंजाइम, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर कंपोनेंट्स जो होता है गोबर गैस का क्या होता है, तो मेथेन होता है, ठीक है। और मेथेनो वैक्टर के प्रेजेंस में गोबर गैस का फॉर्मेशन होता है, और गोबर गैस का प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में भी होता है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक जीन एनिमल का प्रयोग किया था, तो ट्रांसजेनिक एनिमल के लिए माइस का सबसे ज्यादा प्रयोग किया था। तो जब नॉकआउट एक्सपेरिमेंट आया था, ठीक है, तो बहुत ज्यादा मतलब उस टाइम पे भी और उसके बाद भी ट्रांसजेनिक एनिमल में माइस का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट सबसे पहले दिया गया था, तो 1981 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1981 में, ठीक, ये याद रखेंगे, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज यूजफुल टू माई ऑल स्टूडेंट। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन।